तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को बार ग्राफ करने में दिक्कत आ रही है टास्क में, आज की वीडियो वही चीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो इसको हम कैसे इजी वे में लिख सकते हैं आज की वीडियो में देखेंगे। बार ग्राफ टू टाइप से होते हैं, एक विद ईयर्स एक विदाउट ईयर्स। तो आज की वीडियो में हम करेंगे जो कि बिना ईयर का बार ग्राफ है उसमें हम कौन कौन से सेंटेंसेस ऐड कर सकते हैं। पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। द चार्ट्स बिलो शो व्हाट यूके ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हु डिड नॉट गो इनटू फुल टाइम वर्क डिड आफ्टर लिविंग कॉलेज इन 2008। ये चार्ट शो कर रहा है कि जो ग्रेजुएट्स हैं यूके के एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फुल टाइम वर्क नहीं किया है उन्होंने क्या चीज़ की है, किसके बाद की है, कॉलेज को लीव करने के बाद इन किस ईयर में है, 2008 में। इसको आप टू टाइप से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप दोनों का कंपैरिजन कर सकते हो, एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हो, या फिर इसको फर्स्ट को फर्स्ट बीपी में लिख दो, सेकंड को सेकंड बीपी में। तो आइए अब हम इसका सैंपल देखते हैं। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देखिए। द प्रोवाइडेड बार चार्ट्स डिपिक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दो स्टूडेंट्स हु आर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन द यूके एंड डिड नॉट वर्क फुल टाइम इन टर्म्स ऑफ डूइंग अदर वर्क्स आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज इन 2008। ये जो गिवन बार ग्राफ है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसके रिगार्डिंग, वो स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग जो कि ग्रेजुएट हैं एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैं किस में, यूके में, एंड उन्होंने क्या किया है, फुल टाइम वर्क नहीं किया, किसके लिए नहीं किया, दूसरे वर्क्स में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, फुल टाइम वर्क में पार्टिसिपेट नहीं किया, किसके बाद, आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज इन 2008। तो पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जैसे आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है कि ओवरऑल इंट्रोडक्शन के बाद लिखें या फिर बीपी टू के बाद, आप दोनों में लिख सकते हो, दोनों ही सही है। अगर आप इंट्रोडक्शन के बाद लिख रहे हो तो भी सही है, अगर आप बीपी टू के बाद लिख रहे हो तो भी सही रहेगा। तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन के बाद लिखा है, एक बार ये देखते हैं। इट इज एविडेंटली क्लियर दैट यूके ग्रेजुएट्स हु हैड नो फुल टाइम जॉब्स वर मोस्ट लाइकली टू परस्यू देयर स्टडी आफ्टर लिविंग कॉलेज। ये चीज़ क्लियर हो रही है इस चीज़ के जो यूके ग्रेजुएट्स हैं जिनके पास फुल टाइम जॉब नहीं थी उनका क्या था, ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में था परस्यू करने में, उनकी स्टडी किसके बाद, आफ्टर लिविंग कॉलेज। मेन वाइल इसी के साथ और क्या चीज़ है, पार्ट टाइम वर्क एंड फर्दर स्टडी वर द टू मोस्ट फ्रिक्वेंटली सीन ऑप्शंस फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स हु हैड नॉट वर्कड फुल टाइम। इसी के साथ ये चीज़ है कि जो पार्ट टाइम वर्क है एंड फर्दर स्टडी है वो क्या है, दो ऐसी ऑप्शंस हैं जो कि बहुत देखने को आ रही हैं किसके लिए, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए जिन्होंने फुल टाइम वर्क नहीं किया था। अब हम बात करते हैं बीपी वन की। पहले हम लिखेंगे ग्रेजुएट्स के बारे में, बीपी टू में हम लिखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट्स के बारे में। जैसे मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, सेपरेटली भी कर सकते हो, इसका कंपैरिजन करके भी लिख सकते हो। इन केस ऑफ ग्रेजुएट्स किसकी बात कर रहे हैं, किसके केस में बात कर रहे हैं, ग्रेजुएट्स के, कॉमा द डिसीजन मेड बाय स्टूडेंट्स टू स्टडी फर्दर एक्सीडेड अदर्स विद 29665 के जो डिसीजन है लिया गया है स्टूडेंट्स के द्वारा किसके लिए, अपनी स्टडी को फर्दर कंटिन्यू करने के लिए, एक्सीड करने के लिए, वो क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है, आउटस्ट्रिप कर रहा है किस चीज़ को, जो दूसरे हैं। वेयर एज द काउंट फॉर ग्रेजुएट्स के जो काउंट है ग्रेजुएट्स के लिए किसके लिए, हु चोज वॉलंटरी वर्क, जिन्होंने चोज किया था वॉलंटरी वर्क, वॉज द नीदर मोस्ट मीन्स लोएस्ट है। पहले हमने लिखा स्टडी के बारे में कि जिन्होंने स्टडी को कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया उनका इतना काउंट है, वेयर एज जो दूसरे हैं जिन्होंने वॉलंटरी वर्क चूज किया था उनका क्या रहा है काउंट, लोएस्ट। ठीक है, नीदर मोस्ट मीन्स होता है लोएस्ट। अकाउंटिंग फॉर कितना है वो हम उसकी अमाउंट बता रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर ओनली 3500 स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग के साथ याद रखना के फॉर आएगा। द प्यूपिल्स लेवल, अब हम किसकी बात कर रहे हैं प्यूपिल्स के लेवल के बारे में, हु हैड पार्ट टाइम जॉब्स कॉमा स्टक अराउंड मीन्स कहीं पे जाके स्टूट होना, खड़े हो जाना, एट नियरली 18,000 एज अपोज्ड, इसके साथ टू नहीं आएगा, 16,000 हु वर अनएम्प्लॉयड आफ्टर फिनिशिंग देयर कोर्सेज। अब किसकी बात कर रहे हैं प्यूपिल्स के लेवल के, जिनके पास क्या था पार्ट टाइम जॉब किया है जिन्होंने, वो कहाँ पे जाके स्टूड हो गए थे, नियरली 18,000 के ऊपर, एज अगेंस्ट किसके अगेंस्ट है, एज कंपेयर टू ये इतना काउंट बताया, हुवर जो कि क्या थे, अनएम्प्लॉयड थे अपने कोर्सेज को फिनिश करने के बाद। बीपी टू देखिए, एज फार एज पोस्ट ग्रेजुएट्स आर कंसर्न, अब हम बात कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट्स की, फर्दर स्टडी वॉज ऑल्सो द मोस्ट प्रोमिनेंट अल्टरनेटिव विद अराउंड 2700 स्टूडेंट्स चूजिंग टू एक्सटेंड देयर स्टडी। क्या चीज़ है फर्दर स्टडी, जिन्होंने बोला कि हम फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, वो भी क्या है, एक फेमस अल्टरनेटिव है, इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव है, कितना है वो बताया हमने, उनका अकाउंट चूज कर रहे हैं जो कि उन्होंने अपनी स्टडी को एक्सटेंड किया है,
आफ्टर कॉलेज, कॉलेज के बाद, एंड दिस डिपार्टमेंट, ये जो डिपार्टमेंट है वॉज फॉलोड बाई पार्ट टाइम वर्क. ये डिपार्टमेंट किसके द्वारा फॉलो हुआ है, जो पार्ट टाइम वर्क करते हैं स्टूडेंट्स, अमाउंटिंग टू इतने स्टूडेंट्स, कितना उसका अकाउंट बताया हमने, इतना स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अकाउंट के साथ फॉर आएगा, ये चीज़ को ध्यान में रखना, अमाउंट के साथ टू आएगा और इन दोनों के पहले ही कॉमा आएगा. देयर वर अप्रॉक्सीमेटली 1600 पोस्ट ग्रेजुएट्स हु हैड टू एनकाउंटर अनएम्प्लॉयमेंट. अप्रॉक्सीमेटली 1600 पोस्ट ग्रेजुएट्स थे जिनको फेस करने पड़ी थी किस चीज़ के, अनएम्प्लॉयमेंट को. वाई मियरली मीन्स बहुत मुश्किल से 3, 4, 5 ऑफ देम मेड द डिसीजन टू बिकम वॉलंटियर्स. उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने डिसीजन बनाया था कि हमने वॉलंटियर्स बनना है. आई होप आपको ये सैंपल क्लियर हुआ होगा. अगर नहीं भी क्लियर तो जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल.